हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि रीजन भी है उसके पीछे। हमारी जो गेम है ना गाइस, मेरा तो काफी लंबा इंतजार था, मैं तो थक गया था बोल बोल के कि यार नए कैरेक्टर्स ऐड करो इस गेम में, कब तक हम फ्रैंकलिन से खेला करेंगे। एंड काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नहीं यार नए कैरेक्टर ऐड होने चाहिए। सो इतना ज्यादा लंबा इंतजार करने के बाद हमारी इस वाली गेम में दो नए कैरेक्टर आ चुके हैं, मतलब आने वाले तो बहुत ही ज्यादा है, बट अभी के लिए सिर्फ दो से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को जल्दी जल्दी अपडेट्स चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, धीरे धीरे करके हम डाल देंगे सारे के सारे कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है हमारे पास एक स्केलेटन वाला कैरेक्टर, सेकंड है यहाँ पे अपना एक जिराफ वाला कैरेक्टर। तो यहाँ पे अभी के लिए दो कैरेक्टर आए हैं, इन कैरेक्टर को कैसे लेना है ये सब मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ गाइस एक और चीज बताने वाला हूँ कि इस गेम में और क्या क्या अपडेट आने वाली है एंड क्या क्या आ सकती है इस वाली चीज में। तो सबसे पहले जिसने मल्टीप्लेयर के बारे में बोला था ना, वो लोग सुन लो कि मल्टीप्लेयर इतना इजी नहीं है। अगर ये लोग मल्टीप्लेयर पे काम करते हैं लाइक हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D को ना, बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और जो इसकी क्वालिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लाइक क्वालिटी भी लो हो जाएगी। और अगर क्वालिटी अच्छी रखने के ट्राई करेंगे तो ज्यादा लोग खेल नहीं पाएंगे मल्टीप्लेयर में। यही सब दिक्कत आने की वजह से ना मल्टीप्लेयर का सर्वर खत्म हो जाएगा एंड कोई ऑनलाइन खेल ही नहीं पाएगा इस गेम को। सो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली है मल्टीप्लेयर अगर आ गई तो। सो इसलिए आने वाली तो है लेकिन अभी इतना स्ट्रांग नहीं है हमारा सर्वर एंड ऑल, एंड पैसे भी नहीं है इतने ज्यादा, इसलिए गाइस मल्टीप्लेयर के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो गाइस इतना वेट तो किया ही है हमने और मल्टीप्लेयर के लिए थोड़ा और वेट कर ही लेंगे। तब तक यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनने वाली है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एंड यहाँ पे बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, नए नए NPCs आने वाले हैं, और ये जो हमारा प्लान है वो भी उड़ने वाला है, न्यू एयरपोर्ट बनने वाला है। तो काफी सारी चीजें बाकी है, वो सब हो जाएगा उसके बाद। हाँ गाइस उसके बाद बोल सकते कि उसके बाद मल्टीप्लेयर्स आना चाहिए, जबकि यहाँ पे अभी भी एनिमल्स एंड ऑल सब ऐड हो ही रहा है। सो गाइस अभी जो कैरेक्टर्स आए हैं ना, जैसे कि हमारा स्केलेटन हो गया और ये वाला जिराफ हो गया, दोनों के दोनों फनी है एंड अजीब भी है, एंड इसको किसी ने मांगा भी नहीं था, बट इस तरह के कैरेक्टर्स आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट टाइप लग रहे हैं। सो आगे भी इस तरह के आ सकते हैं, बट मुझे ना ऐसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइकल हो गया, फिर फ्रैंकलिन हो गया एंड ट्रेवर हो गया, उस तरीके से कैरेक्टर चाहिए। लाइक मोटू पतलू भी डाल दो चलेगा, छोटा भीम भी डाल दो, लेकिन ये एनिमल्स वाले मुझे ज्यादा पसंद नहीं आते। सो गाइस आपको किस तरह के कैरेक्टर्स इस वाली गेम में ऐड करने हैं मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बता दो, तो फटाफट से हम डिमांड करेंगे और इसको ऐड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड हां गाइस, किसी को भी अगर GTA 5 से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो, अगले वीडियो में मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। सो चलो अब मैं बता देता हूं कि ये जो कैरेक्टर्स दो मैंने लिए हैं, जो कि स्केलेटन एंड जिराफ वाला कैरेक्टर है जो कि काफी क्यूट लगते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं इस वाले गेम में, लाइक आप उसको खेलना चाहोगे तो कैसे खेलोगे। सो उसके लिए ना आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, आपकी जो गेम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D उसका डेटा ऑन कर लेना है। यहां से आपको जाना है, मेरा मतलब है कि अपना मोबाइल डेटा ऑन कर लेना है, एंड मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आपको जाना है IBD 3D प्लगिंग ऐप में। गाइस IBD 3D प्लगिंग ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें से आप कुछ भी लेकर आप इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ऐड कर सकते हो, अपने आप ही ऐड कर सकते हो जो भी ऐड करना चाहो। सो यहाँ पे ना IBD 3D प्लगिंग में आप चले जाओगे एंड वहाँ पे आप जाओगे प्लेयर मोड में, एंड प्लेयर मोड में आप देख सकते हो कि अभी के लिए यहाँ पे पहला है स्केलेटन एंड सेकंड वाले पे जिराफ वाला प्लेयर दिखाई दे रहा है। सो ये जो दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, इस दोनों में से जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है, एंड हाँ उस पर क्लिक करके कॉपी करके सीधा बाहर निकल जाना है एंड आ जाना है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। एंड यहाँ पे इंटरनेट के ऑप्शन में जाके उसको ना आपको लिंक को पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंड जैसे यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी टाइम चालू हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो ये करने के लिए आपको फिर से गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एंड ऑटोमेटिक ये वाला कैरेक्टर आ जाएगा, एंड अगर नहीं आता तो आपको ना जाना है अपने RGS टूल में एंड वहाँ पे जाके आपको लिखना है PM3। जैसे आप PM3 लिखोगे तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा
जाएगा। एंड अगर नहीं होता तो आपको फिर से एक और बार गेम को रिस्टार्ट करनी है, जिसके वजह से आपका फाइनली कैरेक्टर चेंज हो ही जाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में ना मैंने बता दिया है कि कैसे आप किसी भी नए कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो एंड क्या कर सकते हो किसी भी लाइक जो भी हमारी आईबीडी 3D प्लगिंग ऐप में है उसमें से आप किसी भी कैरेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हो। और आगे गाइस आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट के अंदर बता दो, हम कल के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और आपको सारी की सारी न्यू अपडेट्स देता रहूंगा। अगर गाइस आपको कुछ भी जानना है या कुछ भी बोलना है तो मुझे कमेंट के अंदर बताओ। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।